क्या ये सही है कि हम अपने बारे में किसी तरह की कल्पना या खुद को कोई काल्पनिक रूप दे सकते हैं? ऐसा करना सही होता है या गलत? क्या ये नए जमाने की तकनीक नहीं है? हेलो दोस्त, मैं हूँ डॉक्टर माइकल ब्राउन और ये है आस्क मी एनीथिंग कार्यक्रम। और आज हम इस सवाल से जूझेंगे कि आखिर अपने बारे में कोई अलग कल्पना करना बाइबल के अनुसार सही है या गलत। मैं आपके सवालों को लेकर बहुत उत्सुक रहता हूँ। यहाँ देखिए, मेरे पास पूरा बंडल है। प्रतिदिन मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे ईमेल करें, मेरा पता है ask@god.tv। अपना और अपने देश का नाम लिखना ना भूलें, या अपना सवाल लिखें गॉड टीवी के फेसबुक पेज पर और वहाँ मुझे संबोधित जरूर करें। चाहे तो ट्वीट कर सकते हैं #AMADRBrown पर। तो ये सवाल हमसे पूछा है शेरिल ने, क्या अपनी अच्छी सेहत या वजन घटाने या पौष्टिक आहार लेने के बारे में कल्पनाएं करना गलत बात है? खैर, मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता, जरा भी नहीं। महज इसलिए कि आज का मनोविज्ञान कुछ खास तरह की काल्पनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, या कहें तो आज के कुछ प्रचारक इसे महज जिस्मानी बात कहकर नजरअंदाज कर देते हों। बेशक इसका कोई आत्मिक आधार नहीं है, मुझे इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती। अगर आप बहुत सोचते हैं या बहुत अधिक लीन हैं, अपनी कल्पनाओं में आप खुद को अक्सर मोटा देखते हैं, मोटा होना हमेशा आपकी कल्पनाओं में रहता है और हमेशा भविष्य का ख्याल आते ही आप खुद को बहुत मोटा देखते हैं, तो हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने बारे में गलत तस्वीर या गलत धारणा बना लें और गलत खाने की आदत बना लें। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ ये समस्या रही है और यद्यपि मैं भी अधिक वजन के कारण सालों तक परेशान रहा हूँ और मैंने गंभीरता से इस विषय में कुछ किया भी नहीं था। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण 3 साल पहले मैंने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया, फिर मैंने पीछे नहीं देखा, हमेशा भविष्य को लेकर उत्सुक रहा। जब मैं खुद को अपनी कल्पनाओं में देखता था तो हमेशा दुबला ही देखता था। पर क्यों नहीं इस विषय को लेकर प्रार्थना भी की जाए, है ना? क्यों नहीं प्रभु से मांगा जाए कि मुझे अच्छा खाने की आदत हो जाए? क्यों नहीं खुद पर नियंत्रण के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया जाए और अनुशासन सीखा जाए और पेटुपन की आदत से बचा जाए और पवित्र आत्मा के आत्मिक फलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, इस सच्चाई से रूबरू हुआ जाए कि मेरा पेट मेरा प्रभु नहीं है, कि मुझे एक दाम देकर छुड़ाया गया है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ऐसी बातों के लिए प्रार्थना और चिंतन किया जाए। इसी विषय पर नैन्सी और मैंने अपनी किताब ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फूड पर बहुत कुछ लिखा है कि कैसे हम गलत खाने की आदत को छोड़ सकते हैं। हमने इसी तरह जीने के नए अंदाज को सीखा। ये सारी महिमा जलाल परमेश्वर को मिले। पर हाँ, इन सब के बीचों बीच अपने मन में अपने लिए इस तरह की तस्वीर बनाएं, मैं चॉकलेट नहीं खा रहा, सलाद खा रहा हूँ, मैं पिज्जा नहीं बल्कि पौष्टिक आहार खा रहा हूँ। यहाँ मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं, मैं उन दिनों में बहुत चॉकलेट और पिज्जा खाया करता था और सब्जी देखकर मुझे उल्टी आती थी, मुझे जरा पसंद नहीं थी। पर आप ऐसी कल्पना करें कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मेरी जिंदगी ऐसी ही होगी, मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं क्यों नहीं मेरे दिमाग में मेरे लिए एक तंदुरुस्त तस्वीर बनती। आप ऐसी ही कल्पना कीजिए, मानवीय स्वभाव के बारे में ना सोचें, उस पर ध्यान ना दें, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को दरकिनार ना करें। इस तरह की सोच या कल्पनाएं झूठी हैं, महज जिस्मानी हैं। अपने जीवन में आत्मिक कसरत को शामिल करें। जी हाँ, दिमाग में किसी वास्तविकता को रचने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी आत्मिक बहाव में बहने की जरूरत है, बल्कि अपने मन को नया करते जाएं, अपने मन में अपने विश्वास की तस्वीर बनाएं जिसका आधार परमेश्वर का वचन हो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक मुफ्त ई बुक है, मैं इसे आपको भेज सकता हूँ, ये आपकी आँख खोल देगी और आशीष देगी, और ये बिल्कुल मुफ्त है। बस आप हमारे ईमेल्स के लिए साइन अप करें, askdrbrown.org पर जाएं, askdrbrown.org पर। आप संसार में कहीं पर भी हों, आप कहीं से भी मुझे तुरंत संपर्क कर सकते हैं आसानी से। ईमेल्स के लिए साइन अप करें, आपके पास नियमित रूप से जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। हम जल्दी मिलेंगे ठीक यहां। Thank you for watching the program. Dr. Brown is here to answer your questions. If you have something you want to ask, then either email ask@god.tv, tweet #AMADRBrown, or go to the God TV Facebook page. We want to hear your question, so please contact us today.